अब आपको सूर्य नमस्कार के बारे में अभ्यास कराते हैं। सबसे पहले प्रणाम आसन, दोनों पैर पास में, ये स्थिति। तरीके से करना, मेथड के ऊपर ध्यान देना। ऊर्ध्वहस्तासन, देखो ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। फिर हाथ खुल गए और हाथ नीचे, श्वास अंदर है। अब श्वास बाहर छोड़ दे। श्वास बाहर छोड़ करके माथा घुटनों से लगाए। पाद हस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठ जाए, इसको अश्व संचालन आसन कहते हैं। दाएं पैर से किया तो दक्षिण अश्व संचालन आसन, पहले दाएं से करेंगे, फिर वापस आएंगे तो बाएं से करेंगे। दाया पैर, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, श्वास अंदर, ऊपर की ओर देखिए, ऐसे आराम आराम से करवा रहे हैं। फिर श्वास छोड़ दिया, पैर पीछे गया, पर्वत आसन, दोनों पैरों की एड़ियां जमीन पर टिक गई, सिर झुका के नाभि को पेट को देखा, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर साष्टांग आसन, दोनों घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी जमीन पर, और सामने से उठ गए, कमर पूरी नीचे झुकी हुई, ऊपर देखें अधिकतम, श्वास अंदर भर के रखें, फिर श्वास बाहर छोड़ दें। बाया पैर आगे, बाया पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा, और ऐसे बैठे। फिर दाहिना पैर भी आगे, श्वास को बाहर छोड़ा, माथा घुटनों से लगा, फिर हाथ ऊपर, श्वास अंदर, फिर दोनों हाथ सामने ऐसे आएंगे। ये तरीका है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद फिर से ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास अंदर, पाद हस्तासन, श्वास बाहर। कमर में अधिक दर्द है तो आगे मत झुकना। अश्व संचालन आसन दाहिने पैर से, तो दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, पैर पीछे, फिर श्वास अंदर, साष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वत आसन, वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को आगे लिया, लेफ्ट लेग को आगे लिया, श्वास अंदर, श्वास बाहर, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। अब इसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। चलो धीरे धीरे बढ़ाते, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। चलो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे पांच से दस बार, एक मिनट में हो जाता है, जिसका जैसा सामर्थ्य, अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं गति को। ऐसे मैंने कहा अपने सामर्थ्य के अनुसार,
5 से 10 मिनट लगातार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार।